अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वी हैव स्टार्टेड द केमिस्ट्री सीरीज़, एंड ऑन दिस चैनल वी पीपल हैव टू कंटिन्यू आवर सीरीज़। और जैसे कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं अब तक, उनको पता होगा कि हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी सिर्फ चैप्टर 2 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और हमारी जो सबसे लास्ट वीडियो थी, that was about the defects in the force model. So today we have to start from the Bohr's atomic theory. Keeping in view the defects in the force atomic model, Niels Bohr presented another model in of atom in 1913. तो ये तो एक understood fact है कि किसी भी scientist ने जब अपनी theory put forward करनी होती है, तो वो किसी फर्दर जो पास्ट में जिस किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई होती है या थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई होती है, तो उसी को वो लेकर फॉरवर्ड चलते हैं, उसी के अगेंस्ट या उसके उसको या तो कंटिन्यू करते हैं या तो उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं, तो भी उनकी थ्योरी आगे करेक्ट कंसिडर की जाती है। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वॉज यूज एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था जो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे होते और एमिट भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि इन्होंने कहा था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, और एक स्पेसिफिक जगह पर जिनको उन्होंने एनर्जी लेवल्स लेबल किया था, मेंशन किया था। द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज शोन इन फिगर 2.4 कि आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे शेल्स सब शेल्स उसको वो किया गया कि फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, ठीक है, और किस तरीके से जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन शो की हुई है, फिर एनर्जी की एमिशन या रिलीज ऑफ एनर्जी शो किया हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी से। द बोहर्स एटॉमिक मॉडल वॉज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अन टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। Each orbit has a fixed energy that is quantized. As long as the electron remains in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. ठीक है, तो continuously वो move नहीं करेगा, when जब उसकी jumping होगी, when it will move, at that time there would be release or emission of energy. When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. And when it jumps from higher orbit to the lower one, it radiates energy. This changes in energy, delta E, is given by the following Planck's equation. Delta E equals to E2 minus E1 equals to HV. Where H is the Planck's constant, which equals to 6.63 into 10 raised to power minus 33 joule per second, and V is the frequency of light. Electron can revolve only in the orbits of a fixed angular momentum, mv, are given as n h by 2r, 2 pi, where n is a quantum number or orbit number having the values 1, 2, 3 and so on. Depend करते हैं कि हम लोग किस orbit की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया कि quantum क्या है। Quantum means fixed energy, it is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation. Quanta is the plural of quantum. In 1918, Nobel Prize in Physics was awarded to the German physicist Max Planck for his work for the quantum theory. तो ये इनके work के basis पे इनको Nobel Prize जो है award किया गया था। तो यहाँ पर एक छोटी सी summary है, difference है between the two theories, इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं, go through कर लेते हैं ताकि आप लोगों को easily समझ में आ जाए। Rutherford की theory हम लोग पहले discuss करते हैं। It was based upon the classical theory and it was based upon the quantum theory, Bohr's theory. Electrons have revolve around the
न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दर ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम। एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड एग्जिस्ट। तो ये कुछ समरी थी कुछ पॉइंट्स की, रदरफोर्ड की और बोहर की। ये एक एक्सरसाइज है हमारे पास। हाउ वॉज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर? हाउ वॉज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियर आर पॉजिटिव चार्ज? नेम द पार्टिकल विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। वॉट इज द क्लासिकल थियरी ऑफ रेडिएशन? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी? हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड? तो ये हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है पीछे, रदरफोर्ड की, फिर बोहर की, और उसके अलावा भी हम लोगों ने जो पढ़ी थी प्रोटॉन वगैरह की डिस्कवरी की थ्योरीज और वो सारी कुछ, तो ये उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक टेस्ट योर सेल्फ यहाँ पे मैंशन है। तो आप लोग इसको देखें, कुछ आपको समझ में नहीं आ सकता, अगर आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं नीचे, और हमारी ईमेल भी मैंशन है, तो आप हमें ईमेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो आज की समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट कि आपको नोटिफिकेशन आती रहें हमारी फ्यूचर वीडियोस की, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है स्कूल में और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका रिजल्ट है, प्रोग्रेस है, वो बहुत अच्छी आ जाए। सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम लोग बहुत बहुत जल्दी एक ज़बरदस्त न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।